नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष उदयादिति सप्तमी शुक्रवार का दिन है। आज दोपहर 12:17 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 1:03 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज शीतलाष्टमी व्रत भी है और कालाष्टमी व्रत भी आज ही किया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यायी जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 13 मई की सुबह 6:51 से दोपहर 11:35 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शुरू हो चुका है। ये योग सुबह 5:19 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:03 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:28 से शाम 5:21 तक और एक बार फिर शाम 7:41 से रात 12:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 5:33 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:43 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 9:58 से दोपहर 1:03 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:33 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:43 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 9:58 से दोपहर 1:03 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:28 से शाम 5:21 तक और एक बार फिर शाम 7:41 से रात 12:48 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:03 से शाम 4:51 तक और एक बार फिर शाम 7:11 से देर रात 2:43 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:33 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:43 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:51 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कन्या, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:36 से दोपहर 12:17 तक। मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:37 से दोपहर 12:19 तक। लखनऊ सुबह 10:22 से दोपहर 12:02 तक। भोपाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:16 तक। कोलकाता सुबह 9:54 से दोपहर 11:33 तक। अहमदाबाद सुबह 10:57 से दोपहर 12:35 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:05 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज व्यापारियों के लिए दिन शुभ है। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। साझेदारी करना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
जमीन से जुड़ा कोई मामला सुलझ जाएगा। आज ऑफिस में नई पहल करने के लिए दिन अच्छा है, लाभ होने की संभावना बन रही है। करियर में आज कुछ बदलाव होने वाला है, तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे, आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन नया बदलाव लाने वाला है। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, अचानक धन लाभ होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, स्वास्थ्य आज फिट रहेगा, सुबह सुबह व्यायाम करने से सेहत अच्छी बनी रहेगी। इस राशि की महिलाओं को आज जीवन साथी से सरप्राइज मिल सकता है, जिससे पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, आपके जूनियर्स आपसे काम सीखने आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम में आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी, आज आप दूसरों को अपनी बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, कोई रुका हुआ काम अपनों की मदद से पूरा हो जाएगा। इस राशि के छात्रों को आज प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, जिसे सुनकर आपका चेहरा खिल उठेगा। आज जीवन साथी की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। विरोधी पक्ष आज आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे, आज कुछ अनुभवी लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आने वाला है। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें, अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज आपको तरक्की के नए रास्ते मिलेंगे, दिक्कतों का तेजी से मुकाबला करने की क्षमता आपको खास पहचान दिलाएगी। इस राशि के लोगों को आज जीवन साथी से किसी जरूरी काम में मदद मिलेगी, जिससे काम सरलता से पूरा हो जाएगा। घर में कई दिन से रखा हुआ कबाड़ आज बाहर कर दें, इससे जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी बाहर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। इस राशि के कारोबारी अपनी प्लानिंग गुप्त रखेंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। आज आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएंगे, किसी काम में निवेश करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, इससे आप नुकसान से बचे रहेंगे। फालतू की शॉपिंग से बचें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। शाम को बच्चों के साथ खेलने से मानसिक तनाव कम होगा, दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज किस्मत आपका पूरा पूरा साथ देगी। जीवन साथी आज कुछ ऐसा काम करेंगे जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, धन लाभ के नए आसार बनेंगे। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन अच्छा है, आज किसी कॉलेज से आपको टीचिंग के लिए ऑफर मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। तुला राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे, कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी, किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है, साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज खर्च में इजाफा बचत को ज्यादा मुश्किल बना देगा। आज कुछ निजी काम में बहन का सहयोग उम्मीद से अधिक मिलने वाला है। नवविवाहित आज किसी अच्छी जगह पिकनिक के लिए जाएंगे, आज जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकते हैं, इससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। ऑफिस में आज आपकी परफॉर्मेंस को देखकर बॉस आपके प्रमोशन पर विचार करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन अनुकूल रहेगा। इस राशि के लोग आज समझदारी से काम करेंगे तो आपको फायदा जरूर होने वाला है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है, पदोन्नति का अवसर मिलने के आसार बन रहे हैं। आज आपके मन में अधिक पैसे कमाने के नए विचार आएंगे, मुश्किल परिस्थिति में आज किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा, जिससे दोस्ती में और भी मजबूती आएगी। आज किसी पर तुरंत भरोसा न करें, वरना कोई आपके सीधेपन का फायदा उठा सकता है। आज का दिन समझ बूझ के कदम उठाने का है, इसलिए तब तक अपने विचार व्यक्त न करें जब तक आवश्यकता न हो।
आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आज कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो फायदा होने वाला है। यात्रा पर जाने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखना ना भूलें। आज थोड़ा आलस्य महसूस हो सकता है। आज आपका कठिन परिश्रम फलदायी सिद्ध होगा। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा। आज दूर का कोई रिश्तेदार आपसे मिलने घर आ सकता है, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल बनेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज का दिन नई सौगात लेकर आएगा। कारोबार में वृद्धि के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है। पहले से बनी योजनाओं को आज इम्प्लीमेंट करना, लागू करना आज ठीक रहेगा। आसपास के लोग आज आपसे खुश रहेंगे। पुरानी टेंशन्स आज खत्म होंगी। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं, टूर्स एंड ट्रेवल्स, उन्हें आज आर्थिक लाभ मिलेगा। विशेष आज आप काम के प्रति सचेत रहें। कोई विरोधी आपके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की नाकामयाब कोशिश करेगा। छात्रों को आज प्रोजेक्ट पूरा करने में बड़ी बहन का सहयोग मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। आज ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। इस राशि के नवविवाहित दंपति को आज किसी सामाजिक समारोह में जाना पड़ सकता है। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे मिलकर मन प्रसन्न हो जाएगा। किसी नए व्यापार में माता पिता की राय कारगर साबित होने वाली है। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा। घर से बाहर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को आज कोई बड़ी सफलता मिलने वाली है। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। हालात के उजले पहलू की ओर देखें और आप पाएंगे कि चीज़ें सुधर रही हैं। कॉलेज में दोस्तों के साथ हंसी मजाक होगा, साथ ही बीच में किसी बात को लेकर चर्चा भी करेंगे। आप खुद को व्यर्थ के कामों से दूर रखें, वरना आपका अधिक समय फिजूल के कामों में निकल जाएगा। आज आप किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। इससे आपको प्रसन्नता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को पीला वस्त्र गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज घर में मेहमानों का आगमन होगा, जिससे घर खुशियों से भरा रहेगा। मूलांक 2, अपने बिजनेस का अच्छा विस्तार करेंगे, दोस्त भी आपके नए बिजनेस की तारीफ करेंगे। मूलांक 3, संतान होने का पूरा फर्ज निभाएंगे, घर की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाएंगे। मूलांक 4, आज किसी के माध्यम से आपको अच्छी जॉब मिलेगी, ये जॉब आपको काफी पसंद आएगी। मूलांक 5, धन लाभ के आपको अनेक अवसर मिलेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत बनेगी। मूलांक 6, बेवजह भागदौड़ से आपको थकावट होगी, आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मूलांक 7, राजनीति से जुड़े लोग समाज में अपनी अलग छवि बनाएंगे, लोगों के लिए अच्छे विकास की योजना बना सकते हैं। मूलांक 8, आपका कंप्यूटर कोर्स जल्द ही पूरा हो जाएगा, किसी अच्छी कंपनी में सेटल होने के योग बने हुए हैं। मूलांक 9, डॉक्टर्स आज अधिक पेशेंट देखेंगे, सीनियर डॉक्टर से आपको कोई जरूरी जानकारी मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सूखे फूलों के बारे में। घर में कभी भी सूखे या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए, इसके बजाय ताजे और खुशबू वाले फूल रखने चाहिए। ताजे फूल अद्भुत रूप से ऊर्जा का सृजन करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पॉजिटिवली चार्ज होती है। चीनी वास्तुशास्त्र में इसे यांग एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ताजे फूल जहाँ कहीं रहते हैं वहाँ अन्य प्राणियों को अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से सराबोर कर देते हैं, लेकिन यही फूल सूखते ही नकारात्मक ऊर्जा छोड़ने लगते हैं, और सूखे फूलों के आसपास रहने वाले जीवित मनुष्य अपनी ऊर्जा का क्षय महसूस करने लगते हैं। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो उसके कमरे में ताजे फूलों का गुलदस्ता रामबाण साबित होता है, लेकिन यही फूल सूखने के बाद उसके लिए समस्या बन सकते हैं। इसलिए फूलों के
सूखने के बाद उन्हें तुरंत वहाँ से उठा लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा सूखे फूलों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि सप्तमी और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज सुबह 9:06 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी आज दोपहर 12:17 तक। शुक्ल योग रहेगा, शुक्ल पक्ष का नाम तो आपने सुना ही है। जब तक आकाश में बढ़ता हुआ चांद दिखाई देता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है, अतः इस योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना गया है। अर्थात जैसे चांद की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, शीतलता देती हैं, वैसे ही इस योग में भी किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु और प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज दोपहर 1:03 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना, इसका प्रतीक चिन्ह कान है। श्रवण नक्षत्र की राशि मकर है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण आदि किया जाता है। इसके अलावा अच्छे फलों की प्राप्ति इन कार्यों को करने से बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस नक्षत्र को हर प्रकार की विद्या सीखने और उसे सुरक्षित रखने के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अब देखिए, आज श्रवण नक्षत्र भी है और शुक्ल योग भी है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दिन बहुत ही बहुमूल्य दिन है। इस दिन जो भी सीखेंगे, जो भी करेंगे, बड़ा अच्छा फायदा करेगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है, जबकि वेदांग ज्योतिष के अनुसार श्रवण नक्षत्र की अधिष्ठाती देवी माँ सरस्वती को माना जाता है। श्रवण नक्षत्र के अब वैसे ही सरस्वती जी की उपासना कर लो तो सारी विद्याएं प्राप्त हो जाएंगी। इतने शुभ मुहूर्त और इतने शुभ नक्षत्र में अगर आप कुछ नहीं याद है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वृदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मा, मतलब माता की स्तुति करो, स्मरण करो। ये माता को, नक्षत्र की देवी सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती, आज का दिन विद्या सीखने के लिए अच्छा, नक्षत्र अच्छा, योग अच्छा, तो माता की आज उपासना। और जो माताएं, बच्चों की माताएं, जो जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, उनको तो आज के दिन थोड़ा ध्यान लगा के बहुत नरमी के साथ बच्चे को माता सरस्वती के दर्शन कराने चाहिए, उनको कुछ स्तुति करानी चाहिए, उनसे माँ को फूल चढ़वाना चाहिए। ये सारे काम करने से बच्चे को विद्या बुद्धि सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इस समय आज का दिन नक्षत्र योग दोनों ही बहुत अच्छे हैं इस काम के लिए। अब तो श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र होते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र बाहुआ, मतलब हजार से हजार भुजा, किसी की खोपड़ी हजार नहीं होती, न भुजाएँ हजार होती, अगर 500 दोस्त हैं तो हजार भुजा हो गई। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के मित्र बहुत होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, इनके अंदर सेवा करने का भाव होता है और ये अपने कर्तव्यों के जिम्मेदारी से निभाते हैं। जबकि वनस्पतियों में इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया, जो भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय। लिहाजा श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातकों को आज के दिन श्रवण नक्षत्र के दौरान मदार के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, आज मदार के पेड़ को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी उपयोग में लाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा धनिष्ठा नक्षत्र के साथ ही पंचक शुरू हो जाएंगे। आपको याद दिला दूं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है, इसलिए आज से पंचक शुरू है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या वुडवर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय में करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता, अतः 17 मई की सुबह 7:29 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले शुक्ल योग, श्रवण नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करते हैं शीतलाष्टमी की। आज श्री शीतलाष्टमी व्रत है, आज माता शीतला की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बना रहता है
उसे किसी तरह के रोग या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। आप जानते हैं कि माता शीतला स्वच्छता की देवी हैं, ये हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देती हैं। अतः आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए और संभव हो तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण में और आपके परिवार में भी शुद्धता बनी रहेगी। और अब बात करते हैं कालाष्टमी के व्रत के बारे में। आज कालाष्टमी का व्रत भी किया जाएगा। दरअसल सप्तमी तिथि आज सुबह 9:06 तक ही रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। और आप जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी मनाई जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान शंकर के भैरव स्वरूप की उपासना की जाती है। दरअसल भैरव के 3 रूप हैं, काल भैरव, बटुक भैरव और स्वर्णाकर्षण भैरव। काल भैरव प्रौढ़ावस्था के हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव युवावस्था के हैं और बटुक भैरव बालावस्था के। आप जानते हैं कि भगवान शंकर के काल भैरव स्वरूप की उपासना करने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। तो आज श्री शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के दिन अलग अलग शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, अपने बिजनेस को दूर शहरों या विदेशों तक फैलाने के लिए, अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए, जीवन में खुशहाली पाने के लिए और परेशानियों को दूर करने के लिए, साथ ही भय से छुटकारा पाने के लिए, जीवन साथी की परेशानी को दूर करने के लिए, बच्चे के सिर से जादू टोने का असर खत्म करने के लिए और उसकी तरक्की के लिए, अपनी दुविधा का हल निकालने के लिए, घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, आर्थिक रूप से लाभ में बढ़ोतरी के लिए और जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको परेशानी में, आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उसे जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने बिजनेस को दूर शहरों या विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आज किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाएं और चढ़ाने के बाद उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल लें और उन्हें काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दूर शहरों और विदेशों तक फैल जाएगा। अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। साथ ही भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, भैरव बाबा से मांगो जो मांगना। आज ऐसा करने से आपके सुख साधनों में निश्चय ही बढ़ोतरी होगी। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी है तो उसे अपने जीवन से दूर करने के लिए आज के दिन आपको एक सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी लेकर काले कुत्ते को डालनी चाहिए। रोटी पर तेल चुपड़ते समय भैरव जी का ध्यान करते हुए 5 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो जल्द ही दूर हो जाएगी। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो आज आपको माँ शीतला के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है मृणाल तंतु सदृशी नाभि हृद मध्य संस्थिताम यस्त्वाम संचित ये देवी तस्य मृत्युर न जायते। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आपको लंबी आयु का वरदान प्राप्त होगा। अगर आपको किसी प्रकार का भय बना रहता है तो उस भय से छुटकारा पाने के लिए आज आपको भैरव जी के चरणों में एक काले रंग का धागा रखना चाहिए। उस धागे को 5 मिनट के लिए वहीं पर रखकर रहने दीजिए और इस दौरान मंत्र का जाप करिए, ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। 5 मिनट बाद उस धागे को वहां से उठाकर अपने दाहिने पैर में बांध लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही भय से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह कड़वाहट ने ले ली है तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए आज आपको नीम की 21 पत्तियां लेनी चाहिए
और उन्हें एक धागे में पिरोकर माला बनानी चाहिए। अब उस माला को देवी माँ को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से कड़वाहट दूर होकर मिठास घुलेगी। अगर आपके जीवन साथी को किसी प्रकार की परेशानी बनी हुई है जिसके कारण आप भी परेशान हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद शिव जी की प्रतिमा के आगे आसन बिछाकर बैठना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा के पाठ के बाद एक बार भैरव के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी की परेशानी दूर होगी, जिससे आपको आपकी भी परेशानी का हल निकलेगा। अगर आप अपने घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद शीतला माँ का ध्यान करते हुए घर पर ही एक आसन बिछाकर बैठना चाहिए और मंत्र महोदज में दिए देवी माँ के इस नौ अक्षर के मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं शीतलायै नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर परिवार की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी बात को लेकर दुविधा में पड़े हुए हैं और आप उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आज आप 7 बेलपत्र लें और उन्हें साफ पानी से धोकर उन पर चंदन से ओम लिखें। इसके बाद उन बेलपत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा दें और हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम करें। इसके बाद मन ही मन भैरव जी का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी दुविधा से निकलने में आसानी होगी और जल्द ही कोई अच्छा सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत अधिक हो गई है, जिसकी वजह से आपके परिवार के लोगों का किसी काम में अच्छे से मन ही नहीं लगता, तो आज आपको मौली से कलावे से एक लंबा सा धागा निकालकर उसमें 7 गांठें लगाकर अपने घर के मेन गेट पर बांध देना चाहिए। एक एक गांठ लगाते से मंत्र का जप करें ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। अगर आप अपने आर्थिक रूप से आर्थिक लाभ को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद भैरव जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और उन्हें जलेबी का भोग लगाना चाहिए। साथ ही उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको मिलने वाले आर्थिक लाभ में तेजी से बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग श्रवण नक्षत्र श्री शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के बारे में। आज श्री शीतलाष्टमी और कालाष्टमी के दिन शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी नए कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में किसी दोस्त से सलाह लेंगे। B, आपका दिन अच्छा रहने वाला है, आप हर काम को बखूबी निभाएंगे। C, आज आप हर स्थिति में डटे रहेंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। D, करियर में आपको नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, लोग बधाइयां देंगे। E, ऑफिस में किसी अधिकारी से कोई बात करना चाहते हैं तो आज कह दें। F, आपको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा। G, आज का दिन प्रोफेशनल रूप से बेहतर परिणाम लाएगा, पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। H, आज शादी का कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है, पेरेंट्स आपके सपोर्ट में रहेंगे। I, अगर आप आर्ट की फील्ड में रुचि रखते हैं तो आज कोई बड़ी सफलता मिलेगी। J, आज घर में 7 मेहमान आ सकते हैं, पूरे दिन घर में चहल पहल बनी रहेगी। K, शारीरिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, कार्यों को अच्छे से पूरा करेंगे। L, ऑफिस में सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा, काम समय पर पूरा होगा। M, नए उत्साह और उमंग के साथ अपना काम पूरा करने में सफल होंगे। N, आज किसी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। O, आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आएगा, जॉब आपके मन मुताबिक अच्छी होगी।
पी समाज में सबके साथ तालमेल बेहतर रहेगा, हर कोई आपके सपोर्ट में रहेगा। क्यू, आज आपका दिन अच्छा रहेगा, आप करियर में कोई नया मुकाम हासिल करेंगे। आर, आज का दिन विवाहितों के लिए बेहतरीन है, आप जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। एस, कई दिनों से रुका हुआ काम आज पूरा हो जाएगा जिससे आपको बड़ी राहत मिलेगी। टी, आज आपको मनचाही सफलता हासिल हो सकती है, धन लाभ का कोई अच्छा अवसर भी आपको मिल सकता है। यू, आज पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी, सब लोग साथ में बैठकर कोई धार्मिक कार्यक्रम देख सकते हैं। वी, बच्चों के लिए दिन बेहतर रहेगा, अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने जा सकते हैं। डब्ल्यू, बिजनेस में आपको लाभ मिलेगा, किसी बड़े ग्रुप से साझेदारी करने का मौका मिल सकता है। एक्स, आज का दिन स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है, आपको टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिलेगा। वाई, अगर आप जॉब के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। जेड, ऑफिस में आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आप अपना प्रोजेक्ट अच्छे से पूरा कर लेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं पवित्र त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। मंदिर के बाहर एक हॉल में हवन कुंड में अग्नि लगातार जलती रहती है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार ये वही अग्नि है जिसके फेरे लेकर शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। पुजारियों के अनुसार कई युगों से इस अग्नि को जलाकर रखा जाता रहा है, यही कारण है कि इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। कई जोड़े दूर दूर से इस मंदिर में विवाह बंधन में बंधने के लिए खास तौर पर आते हैं। मंदिर के बाहर जिस जगह विवाह पूर्ण होता है उस स्थल को ब्रह्मशिला कहा जाता है। बाद में हवन कुंड में प्रज्वलित अग्नि के साथ फेरे लेने के बाद विवाह संपूर्ण होता है। उसके फेरे लेने के बाद, सात शब्द नहीं, उस अग्नि के फेरे लेने के बाद। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत और अति प्राचीन मंदिर के दर्शन। बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 12 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज सुबह 9:06 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी जो कि कल सुबह 6:51 तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वः। वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। जेब में सफ़ेद कागज रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।